हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू नेहा एकेडमी। आज हम नया एक सेशन लेके आए हैं एनसीईआरटी मैपिंग का, ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये 11th का चैप्टर है। इस चैप्टर का नीट पॉइंट ऑफ व्यू वेटेज है 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। और बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो शुरू करते हैं इसका एनसीईआरटी मैपिंग। तो इसमें दो सेक्शंस है। एक तो है फर्स्ट हाफ इज टॉकिंग अबाउट एनिमल टिश्यू एंड सेकेंड हाफ इज टॉकिंग अबाउट एनिमल मॉर्फोलॉजी। तो हम फिलहाल अभी एनिमल टिश्यू ही देखने वाले हैं, ओके। सो फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दिया है कि इससे पहले चैप्टर्स में हमने लार्ज वैरायटी जो है ऑर्गेनिजम्स की देखी हुई है, लेट इट बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑफ एनिमल किंगडम। हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की बात कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टिक टू दी एनिमल चैप्टर जो हमने इससे पहले देखे हैं, जैसे एनिमल किंगडम, ओके। तो सिंगल सेल है, कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म है, ये सब सब हमने देखा हुआ है, ओके। हाइड्रा है, ह्यूमन बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है। बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ में वो बता रहे कि यूनिसेलुलर से लेके कॉम्प्लेक्स में सेल्स होते हैं, बट ये जब सेल्स एक साथ आते हैं तब ये क्या बनाते हैं, अपना मेन कंसर्न वो है। तो इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिर्फ सब सिमिलर सेल्स एक साथ नहीं आ रहे, अलॉन्ग विथ वॉट इंटर सेलुलर सब्सटेंस, क्या कर रहे, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे, इसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। तो ये क्या हुआ, उसका डेफिनेशन हुआ। इस लाइन पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखना है, ओके। तो एमसीक्यू आया हुआ है अंदर डेफिनेशन, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है एमसीक्यू आने का, बट आया हुआ है, ओके। सो इंटरसेलुलर सब्सटेंस मीन्स व्हाट, आल्सो कॉल्ड एज दी ग्राउंड सब्सटेंस, है ना, आल्सो कॉल्ड एज दी मैट्रिक्स। ये अलग अलग नाम है, ऑल मीन द सेम। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैव 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न। क्या बनाने, टिश्यू एक साथ आके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से एक साथ आके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, राइट, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। ओवरऑल क्या हमें और इसका कंक्लूजन क्या है, एवरीथिंग इज वर्किंग इन व्हाट, एन ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली इन्होंने क्या बता दिया, तुरंत सीक्वेंस जो अपने को पता है, सेल से, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, जो पूरा चैप्टर है, सब टिश्यूज एक साथ आके क्या बना देंगे, ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन एक साथ आके बना देंगे द ऑर्गन सिस्टम। एंड किस में है ये सब, इन द ऑर्गेनिज्म, राइट। सो ये है। तो इसमें क्या है, हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं जिससे हमें कोरिलेट हो एंड इट बिकम्स मोर इजी। तो टिश्यूज की बात स्टार्ट हो रही है डायरेक्टली, दैट ऑज नॉट एनिमल टिश्यूज। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, देयर फोर देयर आर क्लासिफिकेशन। तो कौन कौन है, एपिथीलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है एंड न्यूरल है, ओके। तो ऐसे हमें एक एक करके ये सारे टिश्यूज देखने हैं। तो स्टार्ट तो बड़ा आसान था, जस्ट इंट्रोडक्शन की बात हो रही थी। सो दे हैव स्टार्टेड विद व्हाट, एपिथेलियल टिश्यू। शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो हर एक का क्या देखना है, मेनली द स्ट्रक्चर देखना है, लोकेशन देखना है, फंक्शन देखना है। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। सो नाउ व्हेन वी आर डूइंग एनसीईआरटी मैपिंग, मैंने पहले भी कहा हुआ है, वी ऑलवेज स्टिक टू द कंटेंट विच इज देयर इन एनसीईआरटी एंड विच इज बीन आस्ड। तो तुम्हें आइडिया होनी चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं एंड किस कंटेंट पे क्वेश्चन आते हैं, सो यू आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, ओके। तो वी कॉमनली रेफर टू एपिथीलियल टिश्यू एज एन एपिथीलियम, द सिंगुलर प्लूरल एपिथीलिया, रिसरफेस, आइदर बॉडी को फेस करेंगे, आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। आउटसाइड एनवायरनमेंट के लिए कौन है एग्जाम्पल, स्किन। बॉडी फ्लूइड को फेस करने वाले का कंसेप्ट क्या, जैसे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल एपिथीलियम, राइट। प्रोवाइड्स कवरिंग और लाइनिंग सम पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स,
तो ये हो जाता है इम्पोर्टेंट कि इनका इंटर सेलुलर मेट्रिक्स कम है। क्यों? क्योंकि ये भाई बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कि इंटर सेलुलर सब्सटेंस रहेगा तब उसमें ब्लड सप्लाई रहेगा, बट इंटर सेलुलर सब्सटेंस ही कम है तो ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स आने के लिए जगह नहीं रहती। ओके, तो दो तरीके के एपिथेलियम है, सिंपल एंड कंपाउंड। एक ही लेयर है तो वो है सिंपल, और क्या क्या काम कर सकता है, बॉडी कैविटी लाइन करो, डक्ट्स को लाइन करो, ट्यूब्स को लाइन करो, जस्ट अ लाइनिंग। ठीक है, इसे इसे स्टमक हुआ, इसका ये ऐसा लाइनिंग, एक ही लेयर है उसको क्या बोलेंगे हम, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एपिथेलियम। ओके, फिर कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका, जस्ट एज आर स्किन। अब ये जो लाइन है ना कि प्रोटेक्टिव, ये बहुत सारे लेयर्स है, मतलब मोर एफिशिएंट इन प्रोटेक्शन। वही तुम सिंपल एपिथेलियम की बात करो, उसका उसका प्रोटेक्शन में रोल प्ले कैसा होगा, नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर, क्योंकि एक ही है, इट्स जस्ट अ सिंगल लेयर। बट जब बहुत लेयर्स हो जाते हैं तब स्कोप है प्रोटेक्शन का। तो इस पे आया हुआ है नीट में क्वेश्चन कि इन दोनों में से किसका फंक्शन, प्रोटेक्शन नंबर वन पोजिशन पे होगा, किसका लास्ट पोजिशन पे होगा। सो इट इज़ अंडरस्टूड, कंपाउंड का नंबर वन में होगा फॉर प्रोटेक्शन एंड सिंपल का लास्ट में होगा। ठीक, अब फर्दर क्या है, दिस इज अ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। ये सिंपल एपिथीलियम आगे डिवाइडेड है स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। देखो यहीं पे दिख रहे फ्लैट सेल, कौन है स्क्वामस, क्यूब जैसे कौन है क्यूबॉइडल, और कॉलम पिलर जैसे कौन है कॉलमनर। एंड उसमें बस एक मॉडिफिकेशन है कि यहाँ हमें कुछ एक एडिशनल चीज़ दिख रही है कॉलमनर होते हुए, वो है सीलिया। ओके, तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे जो दिया हुआ है आपने NCERT में। ओके, तो एक एक के बारे में दिया है ना, अगेन आई एम सेइंग जितना दिया है उतना ही पहले समझना है और याद रख लेना है। ऑफकोर्स इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल्स है, लाइक स्क्वामस एपिथेलियम, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इररेगुलर बाउंड्रीज। ये लगता है लाइन बड़ा कॉमन सा है, बट इस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इररेगुलर बाउंड्रीज वाले सेल्स कौन से है और कौन से टिश्यू के हैं। ओके, सो दैट इज स्क्वामस। अब फर्स्ट क्वेश्चन नीट में आया हुआ, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक, दोनों है, लोकेशन एंड फंक्शन, डिफ्यूजन बाउंड्री। हाँ, ये चैप्टर जितना छोटा और इजी लगता है उसको बच्चे बहुत बार साइडलाइन करने की सोचते हैं, बट डोंट डू इट, सी नीट क्वेश्चन, एयर सैक नीट क्वेश्चन, विच टिश्यू फॉर्म्स अ डिफ्यूजन बाउंड्री नीट क्वेश्चन। सो एक एक लाइन एज इट इज उठा के क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक रीडिंग दिस चैप्टर, और एक ही बार पढ़ के योर जॉब इज डन बिकॉज इट इज इजी। नेक्स्ट कौन है, क्यूबॉइडल, सिंगल लेयर ही है, क्यूब लाइक सेल, कहाँ मिलता है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, MCQ, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में कौन सा एपिथेलियम। ठीक, फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, अगेन क्वेश्चन, मतलब स्क्वामस के फंक्शन पे भी क्वेश्चन है, क्यूबॉइडल के फंक्शन पे भी क्वेश्चन है। ओके, नाउ मोर अबाउट क्यूबॉइडल इज गिवन, क्या दिया हुआ है कि एपिथीलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिश्यू, जो वुमेन्स कैप्सूल के बाद इमीडिएट नेफ्रॉन का पहला पार्ट, दैट इज PCT इन द किडनी, उसमें क्या है, क्यूबॉइडल तो है बट उसके साथ साथ देर इज अ मॉडिफिकेशन, क्या है भाई, उसके फ्री एंड पे अपने को मिलेंगे माइक्रोविलाय। तो तुरंत माइक्रोविलाय का फंक्शन पता होना चाहिए, लाइक पहले तो है कैसे माइक्रोविलाय, दीज आर ब्रश शेप्ड, छोटे से होते हैं, एंड इनकी वजह से एपिथीलियम का नाम क्या हो जाता है, ब्रश बॉर्डर्ड। अब इधर PCT की बात करें तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, क्यों, बिकॉज इट हैज़ वॉट माइक्रोविलाय, वॉट द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाय, इट इज
एब्सॉर्प्शन। कैसे करेगा एब्सॉर्प्शन? बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। फॉर व्हाट? फॉर एब्सॉर्प्शन। ओके, सो पीसीटी में कौन सा एपिथेलियम है जब अपन देखते हैं तो उस पर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, बिकॉज एनसीईआरटी ने दे रखा है अबाउट व्हाट, अबाउट माइक्रोवेव। ठीक, आगे बढ़ते, कौन है आगे? आगे है कॉलमनार। तो कॉलमनार एपिथेलियम सिंगल लेयर है, तीनों में देखो कॉमन चीज है, बट तीनों में मेंशनड है, वर्टल, स्क्वामस एंड कॉलमनार, दे मेंशन कि सिंगल लेयर है। टॉल स्लेंडर सेल्स है। नाउ न्यूक्लिया और लोकेटेड एट द बेस, ये पहली बार ही दिया है क्योंकि बाकी दोनों में न्यूक्लियाई सेंटर में ही है। न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस, अलग अलग मतलब थोड़ा सा एक्सेप्शनल, और एक्सेप्शन मतलब क्वेश्चन, राइट? प्री सरफेस मे हैव माइक्रोविलाय, हो सकते हैं। सी, याद रखना, दीज माइक्रोविलाय हो चाहे सीलिया हो, दीज आर कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन, जो फ्री सरफेस पे मिलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, जैसे ये सेल है तो ये उसका फ्री सरफेस हुआ, और ये उसका क्या है, द सरफेस टुवर्ड्स द बेस, बेसल सरफेस। तो ये पूछते हैं कि कोई मॉडिफिकेशन कौन से सरफेस पे है, सो इट इज ऑलवेज एट द फ्री एंड। स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट दे कैन फ्रेम क्वेश्चंस एंड दे हैव फ्रेम्ड क्वेश्चंस, राइट? कहाँ कहाँ मिलेंगे? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, सेम फंक्शन जैसा क्यूबॉइडल का है। लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन पे नीट में आया हुआ है क्वेश्चन। कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल्स वेयर सीलिया, जैसे मैंने कहा कि फ्री एंड पे है, एंड अगर हम तीनों की बात करें, लेट बी स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, स्क्वैमस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं क्योंकि वो खुद इतने पतले है कि कोई जगह नहीं है मॉडिफिकेशन की। सो यू आर लेफ्ट विथ वॉट, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। तो इन दोनों में हमें अलग अलग मॉडिफिकेशन मिल सकते हैं, लाइक सीलिया हो चाहे माइक्रोविलाय। अब सीलिया का फंक्शन क्या है? सीलिया का फंक्शन है मूवमेंट, मूवमेंट करेंगे किसका, जो कंपोनेंट उसके कांटेक्ट में आएगा। रिमेंबर, सेल को मूव नहीं कर रहे, सीलिया खुद मूव करते हैं वेव लाइक फैशन में। जैसे नेजल एपिथीलियम में सीलिया है, तो उसमें कोई डस्ट पार्टिकल अटक गया तो सीलिया का काम है टू गेट इट आउट, इट विल बी ऑलवेज थ्रोन आउट। ओके, सो फंक्शन देखो, इट इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर एपिथीलियम, नथिंग टू डू विद द सेल, सेल को मूव नहीं कर सकते। सेल को मूव कौन कर सकता है? अगर मैं पूछूँ कोई ऐसा मॉडिफिकेशन है क्या, तो है, सेल को मूव कर सकता है फ्लैजेला। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो फ्लैजेलेटेड सेल एक ही है, वो है ह्यूमन। तो ऑफ कोर्स इट इज मोटाइल, द सेल इज मोटाइल, क्रेडिट गोइंग टू हु, ही फ्लैजेला, ऐसे। ओके, सो अब सीलिएटेड एपिथीलियम, तो मॉडिफाइड एपिथीलियम है, पहले तो मेन तीन ही है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। ये क्या है? मॉडिफाइड एपिथीलियम। तो इसका भी लोकेशन दिया हुआ है कि भाई ये कहाँ प्रेजेंट है, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ये आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन फ्रेम्ड है। तो अगर हम देखें, ये जो पूरा कलरफुल हो चुका है, इसमें कितनी जगह MCQ लिखा हुआ है, एंड इट इज जस्ट अ पैराग्राफ विच हैज बीन स्टार्टेड। सो डोंट टेक दिस चैप्टर लाइटली ओनली बिकॉज इट्स ईजी, यू हैव टू गो फॉर इट, फॉर द रीडिंग ऑफ इट, सो दैट यू नो कि हाँ भाई ये सारे लाइन्स इम्पॉर्टेंट है। और ऊपर क्यों आई हूँ मैं वापस, टू टेल यू ये डायग्राम से भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। दे हैव गिवन यू द डायग्राम एंड दे हैव आस्क्ड यू कि भाई बता दो इसमें ABCD एंड कौन से एपिथीलियम, ये कौन कौन है। अगेन ईजी वन, बट एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम मतलब कौन से एग्जाम की बात करी मैं? नीट, कोर्स नीट। सो सम ऑफ द कॉलमनर, अभी और मॉडिफाइड सेल्स की बात कर रहे हैं, दे और स्पेशलाइज हो जाते हैं फॉर सिक्रीशन। ओके, एंड देन दे आर कॉल्ड एज वॉट, ग्लैंडुलर एपिथीलियम। ग्लैंड मीन्स वॉट, सब स्ट्रक्चर विच सिक्रीट समथिंग। ओके, सो दो तरीके के ग्लैंडुलर एपिथीलियम है, तो विच आर प्रेजेंट
यूनिसेलुलर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स है। इसका एक ही एग्जाम्पल अपने टेक्सट बुक में है, दैट इज गॉबलेट सेल्स, जो एलिमेंट्री कैनल में है। बहुत सारे जगह है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑल्सो, सिर्फ सिर्फ जो जनरलाइज दिया है खैर, जो स्टमक हो चाहे इंटेस्टाइन हो, मेनी प्लेसेस एलिमेंट्री कैनल के गॉबलेट सेल्स है। एंड मल्टी सेलुलर मतलब क्लस्टर है, एक साथ क्लस्टर है, जिसका एग्जाम्पल दिया है सलाइवरी ग्लैंड। तो ये जो गॉबलेट सेल्स है दिए हुए, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इवन सलाइवरी ग्लैंड पे क्वेश्चन आया हुआ है, बिकॉज इंडिविजुअल एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर का, मल्टी सेलुलर का। ये डायग्राम पे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं, जैसे ये है द गॉबलेट का म्यूकस सिक्रेटिंग पोर्शन, ये पूरा क्या है इसकी गॉबलेट है, और ये है द मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आया है। तो ये हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सेकेंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, कि सिक्रीशन कैसे पोर हो रहे हैं। ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन क्या है, दे सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर प्रोडक्ट थ्रू वॉट, सबसे इंपॉर्टेंट है इनके पास है डक्ट। तो सवाल कैसे आए हैं, विच आर द ग्लैंड्स हैविंग डक्ट, तो वो कौन है, वो है एक्सोक्राइन, ओके। फिर बोल रहे हैं अबाउट एंडोक्राइन, इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, फिर कैसे उनका प्रोडक्ट रिलीज होता है, मेजरली कौन है, हार्मोन्स है एंड दे आर डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड ब्रीदिंग द ग्लैंड। बेसिकली डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड मीन्स व्हाट, ब्लड में डायरेक्ट रिलीज होता है। तो अगेन इस पे आया हुआ है क्वेश्चन कि कौन सा है, विच आर द ग्लैंड्स इन विच द हार्मोन और द जो भी सिक्रीशन है वो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, तो वो कौन है, वो एंडोक्राइन है। एंड एक्सोक्राइन क्या है, इनके पास अपने खुद के डक्ट्स है, थ्रू द डक्ट्स वो सिक्रीशन जाएंगे। और रिमेंबर एक्सोक्राइन एंडोक्राइन तो दो टाइप है ही, इसके साथ थर्ड टाइप भी है, दैट इज हेटरोक्राइन। अब हेटरोक्राइन का मतलब क्या, हेटरो इज डिफरेंट, सो दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ सिक्रीशन। बेसिकली क्या है, इनके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है एंड एंडोक्राइन पार्ट भी है। एग्जाम्पल है इसका, क्लासिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, सारे नहीं और भी है। तो एग्जाम्पल इसका है पैनक्रियास। पैनक्रिया में एक पार्ट ऐसा है जो एंजाइम सिक्रीट करता है और एक पार्ट ऐसा है जो हार्मोन सिक्रीट करता है। पैनक्रिया का हार्मोन हमें पता है, इट इज इंसुलिन, एंड एंजाइम भी हमें पता है वो है पैनक्रियाटिक एंजाइम। इसमें कॉम्बिनेशन है एंजाइम्स का, तो दोनों चीज़ें पैनक्रिया से ही रिलीज होती है, सो इट इज कॉल्ड एज हेटरोक्राइन। ये एडिशनल है, हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो, दैट इज अबाउट सिंपल। सी सिंपल ऐसे अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो बहुत वास्ट है। अगर तुम लोगों ने वीडियोज़ देखे होंगे, ये चैप्टर के वीडियोज़ अपलोडेड है, यू हैव सीन दोज वीडियोज़, इट्स वेरी वास्ट एंड इन डिटेल इट इज मेंशन, सो दैट इज एडिशनल। बेसिक क्या है अपना, ये बेस क्लियर कौन करता है, कि इतना तो इसेंशियल ही है याद रखना, वो है एनसीईआरटी, इसलिए हम मैपिंग करते हैं, ओके। सो दैट इज अबाउट सिंपल। कंपाउंड क्या है, मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर। मोर देन वन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि दो भी रहे तो कौन सा वो हो जाएगा, व्हाट विल इट बी द एपिथेलियम, सो इट विल बी कंपाउंड, ओके। एंड लिमिटेड रोल है इन सिक्रीशन। अब क्या हुआ है, स्टार्ट में हमने देखा फ्रॉम प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू नंबर वन पे कौन रहेगा, कंपाउंड। अब आ गया इसका जस्ट एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कर दिया। जब प्रोटेक्शन नंबर वन पे होगा तो बाकी फंक्शंस तो बाद में, तो सेम इधर दिया लिमिटेड रोल, तब नहीं के बराबर काम होगा ऑफ सिक्रीशन एंड अब्सॉर्प्शन। क्यों वो लोग वो काम कौन करता है, सिंपल। सो घुमा फिरा के एनसीईआरटी ने खुद फ्रेम ही किया हुआ है, तो उनको सिर्फ ये लाइन उठानी है और सवाल बनाना है, ओके। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वापस वही लाइन दी है जो वहां दी हुई है, अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन कवर करेंगे जो है एपिडर्मिस, मॉइस्ट सरफेस भी करेंगे जैसे बकल कैविटी, पैरिंग, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट।
ये पूरे जो लोकेशन है इस पे नीट में सवाल आया हुआ है ऑफ कंपाउंड, ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट. सो ऑल सेल्स इन एपिथीलियम आर हेल्ड टूगेदर विथ लिटिल इंट्रासेलुलर मटेरियल इन ऑल एनिमल्स टिश्यू. स्पेशलाइज जंक्शन है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन सेल्स. तो तीन तरीके के जंक्शंस हैं जो एपिथीलियल टिश्यू एंड अदर टिश्यूज में है. तो क्या क्या नाम है इनके? दीज आर टाइट जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन एंड गैप. सो टाइट जंक्शन क्या करते हैं? इतने टाइटली सेल्स को बाइंड कर देते हैं, दे हेल्प स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग. इतने टाइटली सेल्स पैक्ड होते हैं. दूसरा अधेरिंग जंक्शन, सीमेंटिंग फेविकॉल. फेविकॉल जैसे दो चीज़ों को जोड़ देता है, वैसे ही ये भी ऐसे ही करते हैं. ये दो सेल्स हैं, इनके बीच में ये स्ट्रक्चर होगा सीमेंटिंग अधेरिंग. तो ये कौन से जंक्शन हो गया? अधेरिंग जंक्शन, ये वाला. टाइट जंक्शन में क्या है, उस सेल इतने ऐसे चिपक चिपक के है कि कोई जगह ही नहीं है दो दो सेल्स के बीच में, इसलिए कोई कंपोनेंट लीक होने का स्कोप है क्या? बिल्कुल नहीं. तो ये हुआ टाइट, ये हुआ अधेरिंग जंक्शन. गैप जंक्शन में तो नाम में ही है कि गैप है भाई, तो गैप है तो क्या है उसमें? चांसेस है कंपोनेंट इधर से उधर जाने का. सो इट विल फैसिलिटेट सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स फॉर ट्रांसफर. आयंस ट्रांसफर हो सकते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स, कभी कभी बड़े. ओके अगेन, नाउ ये जंक्शंस पे नीट में आया हुआ है क्वेश्चन. इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं व्हाट्स द फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ दिस जंक्शंस, या फिर मैच मैच द फॉलोइंग. ठीक, सो दिस वॉज अबाउट द एपिथीलियल टिश्यू. ओके, एपिथीलियल टिश्यू बहुत बार क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन, एक बार पढ़ोगे हमें सब याद हो जाते हैं, राइट. सो नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ एनिमल्स. नीट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट लाइन इटसेल्फ. ओके, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज स्पेशल फंक्शन ऑफ कनेक्ट करना, मतलब लिंक करना, सपोर्ट अदर टिश्यूज. ओके, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड. क्या क्या इंक्लूड होता है? कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड. ओके, तो वैरायटी इसमें ज़्यादा है. आगे बढ़ते हैं. सो इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन. सो एक नॉर्मली जब एक स्टूडेंट पढ़ता है, सो दैट स्टूडेंट इज गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट, कि हाँ बाबा ये फाइबर है, कोलेजन है, इलास्टिन है, अपने को याद रखना है. बट एक लाइन जो छूट जाती है, कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ये नीट वाले नहीं छोड़ते, इससे आया हुआ है क्वेश्चन कि कनेक्टिव टिश्यू में सबके कंपोनेंट में, सबके मैट्रिक्स में फाइबर है एक्सेप्ट विच. सो इट इज एक्सेप्ट ब्लड. ब्लड में क्या है? ब्लड में प्लाज्मा है और सेल्स है. ब्लड में फाइबर वगैरह कुछ नहीं है. अब तुम बोलोगे फाइबर तो बनते हैं, बट दैट इज क्लॉटिंग मैकेनिज्म. क्लॉटिंग कब होगा? जब कोई इंजरी होगी तब क्लॉटिंग होगा, तब फाइबर बनेंगे, तब ब्लीडिंग स्टॉप होगा टू हील द वाउंड. सो दैट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस इफ इंजरी अकर्स, इफ है वो. नेचुरली क्या है? ब्लड में प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स है जो अपना अपना काम कर रहे हैं. ओके, अब आगे क्या दिया इन्होंने? फाइबर्स के बारे में दिया. फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू. अब ये क्या किया है? दोनों फाइबर्स का फंक्शन एक साथ दिया है. सो रिमेंबर, स्ट्रेंथ मतलब कोलेजिन, स्ट्रेंथ मतलब कोलेजिन, इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इलास्टिक, लाइक दैट. स्पेसिफिक क्वेश्चन आए हुए दिया है, अभी दिया है यहाँ, तो हमें मेहनत करनी है, अलग से याद रखनी. दे हैव मेंशन दैट जॉब इज डन. मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड भी सिक्रीट करेंगे जो एक्यूमुलेट होंगे बिटवीन सेल्स एंड फाइबर एंड विल एक्ट एज मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस. मतलब अगर हम देखें एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को कंपेयर अगर करेंगे, तो एपिथेलियल टिश्यू में नहीं के बराबर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, बट कनेक्टिव टिश्यू में अबंडेंटली.
एग्जैक्टली ऑपोजिट है, और ऐसे कंसेप्ट के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका भी क्लासिफिकेशन है। तो क्या क्लासिफिकेशन है? थ्री टाइप्स हैं इसका भी, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज मतलब सब लूजली पैक्ड होगा, लूजली अरेंज होगा। डेंस मतलब थिक अरेंजमेंट होगा, फाइबर्स हो, सेल्स हो, मेट्रिक्स हो। स्पेशलाइज मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनमें अलग हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द टिश्यूज, द कनेक्टिव टिश्यू बेटर। सो पहले लूज के बारे में दिया हुआ है, देन एक 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 सॉर्ट आउट किए। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज, नाम में ही है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। सो दो एग्जाम्पल्स है उसके, एरियोलर एंड एडिपोज, दोनों के बारे में दिया हुआ है। सो एरियोलर इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन एज इट इज लाइन बीनीथ क्वेश्चन, इधर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑफन इट सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल। अब ये लाइन इतना इम्पोर्टेंट लगता नहीं है पढ़ते समय, बट क्वेश्चन जब देखते हैं तब याद ही नहीं आता कि ये लाइन दिया भी है कहीं। ओके, तो डोंट मिस इट आउट। फाइब्रोब्लास्ट है, सेल्स की बात हो रही है, फाइब्रोब्लास्ट नाम में ही फाइबर बनाएंगे। मैक्रोफेजेस है, मास सेल्स। अब इन्होंने क्या किया है, नाम दिए। सो एट टाइम्स ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में सिर्फ नाम भी दिए है, तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नीट पीपल दैट यू नो अ बिट अबाउट दोज थिंग्स, दोज सेल्स और एनी थिंग विच इज गिवन, लाइक मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में एटलीस्ट ये याद रख सकते हैं उनका फंक्शन क्या है, इट इज फैगोसाइटोसिस, दैट इज ट्रैप एंड किल, पकड़ो एंड मारो। मास सेल्स, अगर हम मास सेल्स की बात करें, नॉट मस सेल्स, तो मास सेल्स अलग अलग चीज़ें सिक्रीट करती है, सब्सटेंसेस लाइक हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। अब जो सिक्रीट होंगे इनके फंक्शंस भी होंगे, ये है एक एंटीकोएगुलेंट, एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। ये क्या है, हिस्टामिन, इट विल बी रिलीज्ड इन सर्टेन सिचुएशंस। व्हाट आर दोस सिचुएशंस, एलर्जिक कंडीशंस में रिलीज होगा एंड विल इंड्यूस व्हाट, इंफ्लेमेशन। ओके, वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल्स। एंड सेरोटोनिन का भी एक कंडीशन है, इट विल बी रिलीज ड्यूरिंग इंजरी एंड इट विल ब्रिंग अबाउट व्हाट, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड सप्लाई कम कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, क्योंकि इंजरी हुई है, कट हुआ है, ब्लड स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, स्लो डाउन, और फिर क्लॉटिंग मैकेनिज्म है ही जो स्टॉप करा दे। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू, ये दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जो है बीनीथ द स्किन ओनली, दोनों बीनीथ द स्किन ही है। ठीक है, क्वेश्चन आए हुए, सेल्स आर स्पेशलाइज, आप एडिपोज टिश्यू में होंगे एडिपोसाइट्स, तो क्या स्टोर करेंगे, फैट, नाम का काम, इसीलिए इस पर क्वेश्चन। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन द टिश्यू, बराबर, ये हमें पता है। अब है डेंस की बारी। बिफोर डेंस इज अ डायग्राम जो दिया हुआ है हियर, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें एरियोलर है, एडिपोज है। अब ये डायग्राम पे में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या करते हैं, ये जो नाम दिए हुए हैं इसको ए बी सी डी करके गायब कर देते हैं। ओके, एंड देन दे विल आस्क यू द नेम, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसमें ए बी सी वाला क्वेश्चन आना इज ओके, बट ये डायग्राम में सर्टन देयर आर ट्रिक्स कि कैसे पहचानोगे कौन सा सेल कौन है। ओके, द वेरी फर्स्ट वन कौन है, फाइब्रोब्लास्ट, तो सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे एलोंगेटेड वाले यही है। और एक ट्रिक क्या है, अब यही फाइबर्स बनाते, तो जो सेल से ये फाइबर्स निकल रहे हैं वही क्या होगा, अपना फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, दूसरे है मैक्रोफेजेस, तो मैक्रोफेजेस है अमीबॉइड शेप्ड सेल्स, तो अमीबा जैसे दिखने वाले रहेंगे, तो वो कौन है, वो
मैक्रोफेजेस से, एंड तीसरे कौन है दिए हुए, द मास्ट सेल। अब मास्ट सेल्स में ही ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस दिखते हैं, छोटे छोटे ऐसे डॉट डॉट्स दिखते हैं, एंड किडनी शेप्ड इसका न्यूक्लियस है, तो वो कौन है, मास्ट। ऑफकोर्स फाइबर्स जो फाइब्रोब्लास्ट से निकलेंगे वो कौन है, दी कोलाजन फाइबर्स। ओके, तो वैसे अपने को याद रखना है डायग्राम, ठीक, तो इजी हो जाता है समझना। अब नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू, इसमें तो क्या है, सेंट्रली लोकेटेड फैट है स्टोर्ड, और इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो होता है एट दी पेरिफेरी। नॉर्मली सेल का न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में, बट इसका कहाँ है, एट दी पेरिफेरी। ओके, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्रॉम द डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू, और वैसे ही इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आगे अबाउट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं हम। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो, एक तो ओरिएंटेशन हो सकता है रेगुलर, नहीं तो इरेगुलर, तो टुगेदर इसको क्या बोल देंगे, रेगुलर है तो डेंस रेगुलर, और इरेगुलर है तो डेंस इरेगुलर। सो रेगुलर वाले में कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स। अब इसका एग्जाम्पल है टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन, एंड लिगामेंट विच अटैच बोन टू अनदर बोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टिश्यू। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है टेंडन एंड ऑन लिगामेंट। तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है भाई, ये किसको अटैच करता है, मसल टू बोन करता है टेंडन, एंड बोन टू अनदर मतलब अनदर बोन उसको करता है लिगामेंट। एंड दूसरे टाइप का एग्जांपल आया कि ये कौन से कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, तो वो क्या है, डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर। ओके, तो इन सब पे आया हुआ है क्वेश्चन कंसेप्ट। अब है डेंस इरेगुलर, जिसमें है सेल्स फाइबर्स ओरिएंटेड डिफरेंटली क्रिस क्रॉस फैशन में इरेगुलरली। अब कहाँ प्रेजेंट है ये, दे आर प्रेजेंट इन स्किन, उस पर आया हुआ है क्वेश्चन कि इरेगुलर किधर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन स्किन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कार्टिलेज बोन्स एंड ब्लड वेरियस, ये सब किस में आएंगे, इन दी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो स्पेशलाइज पे जाने से पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम ये भी आया हुआ है कि डायग्राम का तो रूल है, डायग्राम एनसीईआरटी में है तो ही आता है, इसीलिए कोई भी डायग्राम छोड़ना नहीं है बिफोर अपियरिंग नीट। तो पहला डायग्राम है ऑफ डेंस रेगुलर, दूसरा है ऑफ इरेगुलर। तो रेगुलर देखो पूरे अरेंज है बढ़िया तरीके से, फाइबर यूनिफॉर्म है, ये फाइबर जैसे कहीं भी है क्रिस क्रॉस इरेगुलर फैशन में है, तो वेरी इजी टू डिटरमाइन कि भाई कौन सा रेगुलर है कौन सा इरेगुलर है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इन्होंने स्पेशलाइज के बारे में दे रखा है, अगर आप अपने नेहा एकेडमी के वीडियोस देखेंगे उसमें स्पेशलाइज के बारे में भी डिटेल में दे रखा है। ओके, बट हियर मैपिंग है तो हम वी आर गोइंग टू स्टिक टू व्हाट व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी। इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज का है, सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन, ये एज इट इज लाइन एक क्वेश्चन। प्लायबल का मतलब है फ्लेक्सिबल, तो इट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल लाइक द ईयर पोर्शन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज कॉन्ड्रोसाइट, साइट माने सेल, कॉन्ड्रो इज कार्टिलेज, are enclosed in small cavities within matrix secreted by them. वो cavities का नाम क्या है, lacuna, okay, दिया नहीं है यहाँ, याद रख सकते हैं, उनको बोलते हैं lacuna, and cells of cartilage are called as dash, neat question. Most of the cartilage in vertebrate embryos are replaced by bones in adult. तो question कैसे आता है कि embryo में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिस जो रिप्लेस होके बोन बन जाता है, सो दैट इज कार्टिलेज, सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इट।
ऐसे जो लाइन दी है तो एज इट इज लाइन देते हैं एनसीईआरटी की, नहीं तो उसी को घुमा फिरा के देते, इट इज अलाउड। क्योंकि बेस क्या है, बेस कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी में दिया है काफी है, लाइक दैट वो उनका लॉजिक होता है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कार्टिलेज, टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स। अब ये जो आउटर ईयर जॉइंट्स है ना, ये बच्चों से मिस आउट हो जाता है। एंड आउटर ईयर जॉइंट्स, अब आगे जाके लोकोमोशन चैप्टर भी बच्चे पढ़ लेते हैं और फिर तुम लोग जॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हो। जॉइंट वर्ड इज मेनली एसोसिएटेड विद बोन्स, और फिर कार्टिलेज वाला एग्जाम्पल थोड़ी होगा, बट आउटर ईयर जॉइंट्स मीन्स वॉट, ये सारा ही तो कार्टिलेजिनस है ना। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेमिंग अ ट्रिकी क्वेश्चन विद द कंसेप्ट गिवन इन एनसीईआरटी। अब हम बोल ही नहीं सकते कि एनसीईआरटी के बाहर का, इट इज हियर, है ना। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि तुम जो पॉइंट्स मिस आउट कर सकते हो वो मैं हाईलाइट करूँ। ओके, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, मतलब इन बिटवीन टू वर्टेब्रेस द इंटर वर्टेब्रल डिस्क, लिम्स एंड इन एडल्ट्स। ओके, सो इसमें क्या है, हर एक का एग्जाम्पल अलग है। लाइक टिप ऑफ द नोज क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज है इधर, ये ईयर जॉइंट में क्या मिलेगा, आउटर ईयर जॉइंट इज द पिन्ना, पिन्ना रीजन, यू वांट टू गेट विच कार्टिलेज। पिन्ना मतलब ये एकदम जो लोब है उसमें इलास्टिक है, ठीक है, बट ऊपर ऊपर अगर देखेंगे इट्स अ कॉम्बिनेशन, हाईलाइन भी मिलेगा इलास्टिक भी मिलेगा। इंटरवर्टेब्रल डिस्क में वाइट कार्टिलेज है, राइट। सो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स है, बट जनरलाइज दे रखे हैं तो वो पूछे भी जनरलाइज ही है, एग्जाम्पल्स आए हुए हैं तो किसके एग्जाम्पल से, इट्स जस्ट कार्टिलेज यू हैव टू आंसर। नेक्स्ट इज बोन, हार्ड एंड नॉन प्लायबल, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स, कोलेजन फाइबर, जो बोन को अपना स्ट्रेंथ देता है। जानबूझ के है इधर हार्ड एंड नॉन प्लायबल, सो दैट इस पे और इस पे कंपेरेटिव क्वेश्चन बनता है, कौन प्लायबल है कौन नॉन प्लायबल है। नॉन प्लायबल इज नॉट फ्लेक्सिबल, बोन फ्लेक्सिबल है क्या, नहीं, बट वर्ड नया है इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। मेन टिश्यू, स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। अब सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, में कंफ्यूजिंग लाइंस है ये दोनों। स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी अलग, एंड वो जो पीछे एरियोलर का था कि सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, वो अलग है, इसीलिए इसका क्वेश्चन आया हुआ कंफ्यूज कराना, ठीक है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज, अब यहाँ बोन सेल्स का नाम क्या है, ऑस्टियोसाइट, कार्टिलेज का क्या था, कॉन्ड्रोसाइट, इसीलिए क्वेश्चन, ऑस्टियो मतलब बोन, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज। अब यहाँ लैक्यूना वर्ड दिया है, बट रिमेंबर लैक्यूना वर्ड कार्टिलेज में भी है, दोनों में फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस है। लिम बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स, वेट बेरिंग फंक्शन, इंटरेक्ट करते हैं मसल्स के साथ एंड अटैच देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। बोन मैरो इन सम बोन्स इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये स्पेसिफिकली कौन से बोन है, दी स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन हैज रेड बोन मैरो। एंड कौन बचता है फिर, दूसरा भी एक बोन है वो है कॉम्पैक्ट बोन, इट हैज येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो का फंक्शन दिया है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, येलो बोन मैरो का फंक्शन है सिमिलर टू एडिपोज, दैट इज स्टोरेज ऑफ। छोटा छोटा जो एडिशनल चीज है मैं यहीं पे बता दिया करूँगी, सो दैट यहीं पे तुम्हारा रिविजन होता है। अगेन डायग्राम, डायग्राम पे आए हुए हैं क्वेश्चन। ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट देख रहे हो मैट्रिक्स का, लाइंस लाइंस जो सर्कुलर है वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है बोन का, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज लैमेले, एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉट, ऑफ बोन। तो ऐसा डायग्राम देखा तो वो बोन का है, एंड ऐसा डायग्राम जिसमें सेल्स है, बस सेल्स है और इधर उधर डिस्पर्स मैट्रिक्स है, वो है कार्टिलेज, ओके। एंड द लास्ट इन स्पेशलाइज, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि आगे पूरा चैप्टर है, इसीलिए ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। फ्लूइड वर्ड जो है उसको यूज करके क्वेश्चन फ्रेम हुआ है।
मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हम पढ़ेंगे इन आगे का चैप्टर। तो इतना ही है, उसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इस पे आया है और दो कंपोनेंट ये है, प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स। तो ज़्यादा इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू ब्लड पे क्वेश्चन नहीं है, ऑफकोर्स आगे है ब्लड, तो उस इन द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो उससे ऐसे सवाल आएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट है मसल और मस्कुलर टिश्यू। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल अरेज, मतलब इन पैरेलल फैशन। बहुत न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स हैं इनसाइड एक मसल टिश्यू में, एक मसल सेल उसकी बात कर रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स पे है क्वेश्चन। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, रिलैक्स इन रिटर्न टू गेट रिटर्न इन द अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, क्योंकि फंक्शन ऑफ मसल्स इज ओनली वॉट कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। द एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड टू मेंटेन पोजिशन। ओके, सो बेसिकली जस्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, प्ले एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तीन टाइप के मसल्स कौन से हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होता है, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। अब इसमें कंपेरेटिव स्टडी ही करना है, जितना बढ़िया तरीके से तुम कंपेरेटिवली डायग्रामेटिकली याद रखो, तुम्हें हर तरीके के क्वेश्चंस का आंसर देते आएगा। इसमें बहुत वैरायटी है क्वेश्चंस की, ज़्यादा सबका बेस क्या है, कंपेरेटिव। ओके, पहला है स्केलेटल मसल्स, क्लोजली अटैच, नाम में है तो बोन से अटैच। टिपिकल मसल बाइसेप्स, स्ट्राइटेड, स्केलेटल मसल्स बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेस सेवरल बंडल मसल फाइबर्स, और हमें पढ़ना है इन द चैप्टर लोकोमोशन। ओके, तो यहाँ क्या बेसिकली क्या याद रखना था, इस लेवल पर बाइसेप्स एग्जाम्पल है एंड इसमें क्या है, दे आर अटैच टू द स्केलेटल बोन्स, दैट्स इट। अगेन वीडियोज में डिटेल है, यहाँ सिर्फ वी आर स्टिकिंग टू एनसीईआरटी। तो उतना ही स्केलेटल का दिया हुआ है। स्मूथ, टेपर एट बोथ एंड्स, फ्यूजीफॉर्म, डू नॉट शो स्ट्राइशंस, एज इट इज लाइन पे क्वेश्चन, कंपेरेटिव में भी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिकली मसल्स आर टेपर्ड एट बोथ एंड, किस मसल का दूसरा नाम है फ्यूजीफॉर्म, ऐसे क्वेश्चन भी आए। ओके, आगे सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर, हमने देखा है सेल जंक्शन एपिथेलियल एंड अदर टिश्यूज, सो अदर टिश्यूज मीन्स दे आर मेनली टॉकिंग अबाउट मस्कुलर टिश्यू, बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू। शीथ वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, स्मूथ मसल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन में ये मसल है। अब ये लोग सब इनवॉलेंट्री है, मतलब स्मूथ मसल भी क्या है, इनवॉलेंट्री, एज पर फंक्शंस कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, वी कैन नॉट कंट्रोल डाइजेशन, राइट, वी कैन नॉट कंट्रोल द ब्लड मूवमेंट इन आर ब्लड वेसल्स, तो मसल्स ही है जो कर रहे हैं एक्टिविटी, सो दे आर इनवॉलेंट्री। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मियरली बाय थिंकिंग अबाउट इट, जैसे हम स्केलेटल को कर सकते हैं। तो इसलिए स्केलेटल डायरेक्टली नहीं दिया है, वॉलेंट्री है, बट यहाँ समझ में आ रहा है इसीलिए इस पे क्वेश्चन आया है, और ये लोग तो कौन है, इनवॉलेंट्री, इसलिए इस पे भी क्वेश्चन आया है। एंड द लास्ट इज कार्डियक, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू सिर्फ और सिर्फ हार्ट, हार्ट भी एक विसरल इंटरनल ऑर्गन है, तो हम बोल सकते हैं इसमें स्मूथ है क्या, बट नहीं, उसके लिए अपना स्पेशलाइज मसल है, दैट इज कार्डियक, क्योंकि वो है सेल्फ एक्साइटेटरी, ऑटो एक्साइटेबल, वो बाकी मसल नहीं। सेल जंक्शन, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सेल मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स मेक देम स्टिक टुगेदर, कम्युनिकेशन जंक्शन दूसरा नाम, इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, वन सेल रिसीव सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, द नेबर्स आर ऑल्सो स्टिम्युलेटेड, इसीलिए हार्ट एज अ होल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ऑफकोर्स चेंबर वाइज अलग अलग चीज़ें होती है, बट कौन कर रहा है, मसल्स, मसल्स हैव नर्व लाइक प्रॉपर्टीज, क्रेडिट गोइंग टू द जंक्शंस, दूसरा नाम इंटरकैलेटेड डिस्क, उस पर क्वेश्चन। ओके,
सो डायग्राम अगेन, तो होल डायग्राम ये जो तीनों दिए हैं उस पर क्वेश्चन है। डायग्राम देख के इतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, यू हैव नो आइडिया। लाइक ये है न्यूक्लियस, ओके, सो मल्टीपल रीजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो ये स्ट्राइटेड कैसे हैं? दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये इसका द कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका स्केलेटन का। तीनों में से और कोई भी नहीं है जो क्या है मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाकी दोनों है यूनि न्यूक्लिएटेड। अब ये लगेगा मल्टी न्यूक्लिएटेड बट ये इंटरकैलेटेड डिस्क जंक्शंस की वजह से दीज आर इंडिविजुअल यूनिट्स। ये सब इंडिविजुअल यूनिट्स है, ये सब एक साथ नहीं है। दे जस्ट अपियर दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड बट एक्चुअली दे आर यूनि न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट इसका ये टेपरिंग एट द एंड्स, इसका द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड प्रेजेंस ऑफ जंक्शन जो है वो कौन है? इंटरकैलेटेड डिस्क, वो कार्डियक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और क्वेश्चन कैसे आते हैं? इन तीनों में से टेपर्ड एट एंड्स कौन है बताओ? तो वो है स्मूथ, या फिर किसके राउंड एंड्स है? तो वो ये है, दोनों दोनों भी ऑप्शन रहते राइट, ए बहुत ए एंड बी वाला थी। ऑफ द थ्री कौन मल्टी न्यूक्लिएटेड है? सिर्फ ये। ऑफ द थ्री किसके पास इंटरकैलेटेड डिस्क है? तो है कार्डियक राइट। सो कौन स्ट्राइशंस दिखाता है? इसके पास भी है और इसके पास भी है, सिर्फ इसके पास कंपेरेटिवली फेंट है कार्डियक के पास बट है। ओके, मोर अबाउट स्ट्राइशंस लोकोमोशन चैप्टर में है आगे, यहाँ नहीं है बस। ओके, सी हियर पेरिफेरी पे न्यूक्लियस इन स्केलेटन, यहाँ देखो सेंट्रली लोकेटेड क्वेश्चन। ओके, ये दोनों राउंडेड है स्केलेटल एंड कार्डियक और ये टेपर्ड है। ओके, सो लाइक दैट क्वेश्चंस डू कम, उसमें एक ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों भी एक साथ हो सकते हैं क्योंकि कार्डियक ऐसा है ना जिसके पास कुछ फीचर्स स्मूथ के हैं कुछ फीचर्स स्केलेटल के, जैसे वॉलेंट्री या अकेला वॉलेंट्री है, ये दोनों क्या है? दीज आर इनवॉलेंट्री, स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक आर इनवॉलेंट्री। So like that questions have come, you have to be prepared accordingly. That was about muscles and last hai about the neural tissue. So neural tissue, first line diya hua, neural tissue exerts greatest control over body's responsiveness to changing condition. Basically impulse hai, signals hai, impulse hai, that's the transmitting hai. बॉडी का रिस्पॉन्स समझ में आता है, वो ये लाइन समझा रहा है एज इट इज लाइन पे क्वेश्चन। यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन है? तो वो है न्यूरॉन्स, अगेन एमसीक्यू। न्यूरोग्लियल सेल्स कॉन्स्टिट्यूट रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन वन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू, नीट क्वेश्चन। लग क्यों ऐसे क्वेश्चन है, क्या लगता है? पहले ही लाइन हम याद कर लेते हैं कि भाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वही होगा, बट ऐसा नहीं है। न्यूरोग्लिया और द न्यूरोग्लियल सेल्स है जो मोर देन हाफ मीन्स व्हाट, मोर देन 50%, ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है rather than as it is giving more than half. सिर्फ उन्होंने क्या कर दिया, उसको न्यूमेरिकली दिखा दिया, इट मीन्स द सेम। ओके, काम क्या कर रही है उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। तो बाकी क्या काम है? इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, वो कौन करेगा? न्यूरॉन। तो मिल के ये दोनों काम करते हैं। एंड why they are more in number, क्योंकि the neuroglia or the neuroglial cells have power of division. ये divide हो सकते but neurons के पास ये नहीं है, okay? क्योंकि उसके पास main component ही नहीं है, the centromere, इसकी वजह से centriole basically इसकी वजह से bundle form होते वो होगा ही नहीं। okay? So ये again is there ahead in the chapters, इसमें हमें nervous system समझना है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है। सो व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबल स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड, द स्विफ्टली ट्रैवल होता है अलॉन्ग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो ये तो लाइन तो मैंने फटाफट बोल दी बिकॉज इट इज जस्ट अ नॉर्मल लाइन, बट नो, लास्ट वर्ड देखो, विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलॉन्ग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पे बनाते हैं लोग क्वेश्चन कि कहाँ ट्रैवल होती है, कैसे ट्रैवल होती है, अलॉन्ग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, कुछ भी ऑप्शन दे देंगे अननेसेसरीली टू डाइवर्ट यू और टू कंफ्यूज, बट ऑलवेज रिमेंबर इट विल जनरेट जो होगा इम्पल्स वो ट्रैवल होगा अराउंड अलॉन्ग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस एट न्यूरॉन एंडिंग्स और आउटपुट जोन ट्रिगर्स इवेंट्स दैट मे कॉज स्टिम्युलेशन और इनहिबिशन ऑफ एड्रेनल न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स। बेसिकली वो बता रहे हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाएगा एंड एक्शन कैसा होगा, आइदर स्टिम्युलेटरी और इनहिबिटरी, दोनों चीज़ें दोनों इम्पल्सेस इंटरप्रेट होते हैं, राइट, सो दैट दे आर एक्सप्लेन। ओके, सो दैट वॉज अबाउट दी नर्वस टिश्यू, जिसमें इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, बट बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, डिटेल विल बी देयर इन द नर्वस सिस्टम वाला पार्ट, राइट, योर दे विल गिव यू अबाउट द रफली द न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसका भी ज़्यादा एक्सप्लेनिंग नहीं दिया हुआ है एट दिस लेवल। ओके, तो जितना दिया हुआ है उतना ही यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज इफ दे आर नॉट गिविंग इट एट दिस लेवल इट इज़ अंडरस्टूड दे वॉन्ट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेवल। सो ये उसका सेंट्रल बॉडी है, दैट इज द साइटोन, इधर प्रोसेसेस है द शॉर्ट प्रोसेसेस, दोज आर दी डेंड्रॉन्स, इन शॉर्ट ही देख रहे हैं हम जितना दिया हुआ है अपने पास। दिस एलोंगेटेड सिंगल प्रोसेस इज द एक्सॉन एंड ये क्या है द नर्व एंडिंग्स, राइट, देयर आर मेनी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हियर ऑल्सो, हमें इतना डिटेलिंग अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ओके, स्टिल दिस इज अ रफ डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द न्यूरॉन। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टिश्यू, क्योंकि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वाला कंसेप्ट जो है इट इज जस्ट अ जनरलाइज कंसेप्ट बिकॉज द टिश्यू पार्ट गेट्स ओवर हियर। ओके, लाइक द बेसिक फीचर्स जस्ट विल ओवरव्यू mentioned above organized to form organ, so in turn form organ system. Organization essential है for more efficient and better coordinated activities of millions of cells. Each organ in our body is made up of one or more type of tissue. Our heart consists of four types of tissues: epithelial, connective, muscular and neural. ये line हो जाती है important कि ये जो conclusion है, क्या conclusion है कि ऑर्गन एक ही है बट उसमें क्या है अलग अलग टिश्यूज इन वन फॉर्म और द अदर आर प्रेजेंट, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्ट, यू कैन टेक एनी ऑर्गन, किसी ना किसी फॉर्म में वेरिएंट ऑफ ऑल द फोर टिश्यूज इज ऑलवेज प्रेजेंट। इसीलिए इस पे एम्स लेवल वाला क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मेजॉरिटी हार्ट इज वर्ड मस्क्यूलर सोच के मस्क्यूलर टिश्यू मार्क करके आ जाते, बट इट हैज़ ऑल अदर कम्पोनेंट्स ऑल्सो, एपिथीलियल टिश्यू है, इट हैज सिंपल स्क्वैमस, एंडो जो एंडोकार्डियम लाइनिंग है इट हैज सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, मतलब एपिथीलियम है, सेल्स है वहाँ, राइट, उसमें फाइबर्स है एसोसिएटेड, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, राइट, सो एंड मसल ही है जो नर्व लाइक प्रॉपर्टीज दिखाता है, सो दोनों है, मस्क्यूलर भी बोल सकते हैं अलॉन्ग विद दैट न्यूरल भी। तो इस लाइन पे इट्स अ सिंपल लाइन बट दिस अ क्वेश्चन, वी ऑल्सो नोटिस दैट आफ्टर केयरफुल स्टडी कॉम्प्लेक्सिटी इन एन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टन डिसर्नेबल ट्रेंड, दिस डिसर्नेबल ट्रेंड इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी ट्रेंड, जो हम पढ़ेंगे आगे। यू आर बींग इंट्रोड्यूस टू मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ थ्री ऑर्गेनिज्म, अभी ये आगे इनकी बात हो रही है जो एनिमल्स देखने हैं अपने को, जो अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ टिश्यू देख रहे हैं। ओके, सो दे आर टॉकिंग नाउ अबाउट मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल विजिबल जो दिखता है अपने को विजिबल, दैट इज मॉर्फोलॉजी। इन केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स मॉर्फोलॉजी प्रिसाइसली मीन्स ओनली दिस एक्सटर्नल, इन केस ऑफ एनिमल्स एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द
ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन लेवल तक भी एक्सटर्नली कि बाहर से वो ऑर्गन कैसा दिख रहा है वो। एनाटॉमी इज यूज फॉर व्हाट? स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। सो यू लर्न दीज इन द थ्री एनिमल्स जो हम आगे देखने वाले हैं, नॉट नाउ, फ्रॉम आर टिश्यू पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ तक ही है। ये आखिरी लाइन है, सोच लो आखिरी लाइन पे भी क्वेश्चन बना हुआ है। दैट इम्पॉर्टेंट इज एनसीईआरटी रीडिंग। वी ऑलवेज टेंड टू, मैं बार बार बता रही हूँ, ऑलवेज टेंड टू स्किप इट, यार इट्स बोरिंग, इट इज दिस इट इज दैट, बट स्टूडेंट्स हु रियली आर डेडिकेटेड एंड रियली वॉन्ट अ ग्रेट स्कोर इन नीट हैव टू रीड एनसीईआरटी एंड गेट एट दैट स्टेज दैट यू लिटरली हैव मेमोराइज्ड द होल एनसीईआरटी। सो थिंग्स आर वेरी इजी, ये सिर्फ एप्लीकेटरी क्वेश्चन में ही दिमाग लगाना है, बाकी सब तो दिमाग में है ही, भाई हमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, हमें सब याद आ जाए। ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट एनिमल टिश्यूज एनसीईआरटी मैपिंग। होप यू हैव अंडरस्टूड, होप यू हैव नोटेड डाउन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, द क्वेश्चंस फ्रेम्ड, एंड यू हैव योर होल कंसेप्ट इज बीन क्लियर। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, टिल देन इफ यू हैव लाइक दिस सेशन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Share it as much as possible to the ones in need. So, 2021 batch hai, that is a highly suffering batch because jo offline wala content hai, wo bahut kam mila hai tum bachon ko. So, make sure you share it as much as possible with your friends. Okay, you can also connect with me on Facebook and Instagram and also on Telegram. My personalized notes are also there on Telegram. Okay, so have a good day. See you in the next session. Bye-bye. Take care.